गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी बैंगन को बीज से उगाने से लेकर के उसको मिट्टी में लगाने तक की, तो इस वीडियो को कंटिन्यूअसली एंड तक पूरी देखना। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दोस्तों चलिए जानते हैं पूरा प्रोसेस। तो बैंगन के बीज ग्रो करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला बीज, दूसरी मिट्टी और तीसरा हम किस जगह पे इन बीजों को ग्रो करने वाले हैं। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल्ड नॉलेज आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बैंगन के जो बीज हैं बड़ी आसानी से हम घर पर ग्रो कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो बीज हम ग्रो कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। जितनी अच्छी क्वालिटी के बीज होंगे उतना ही अच्छा हमारे पौधे बनेंगे। तो आप ये मेरे हाथ में बीज देख सकते हो, ये हाइब्रिड अच्छी क्वालिटी के बीज हैं। ये बीज आपको किसी भी सीड शॉप पे मिल जाएंगे। जो 20 रुपये या 30 रुपये के पैकेट आते हैं वो बीज इतने अच्छे नहीं होते, उनकी क्वालिटी इतनी सुपीरियर नहीं होती। तो आप कोशिश करिए वो बीज लेने की जो हमारे किसान उगाते हैं। जो बड़े पैकेटों में बीज आते हैं उनमें से आप बीज लेने की कोशिश करिए। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है ग्रोइंग मीडिया, यानी कि किस मीडिया में हम बीजों को ग्रो कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका होता है खेत की मिट्टी लेना और उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाना। ये सबसे अच्छा मीडिया बन जाता है किसी भी बीज को ग्रो करने के लिए। और आप बीजों को ज़मीन में भी ग्रो कर सकते हो या फिर किसी प्लास्टिक के कंटेनर में, या फिर जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एक कार्डबोर्ड का कंटेनर है, इसमें भी आप ग्रो कर सकते हो। तो जो मीडिया हमने बनाया था हमने बॉक्स में भर लिया है और उसके बाद हमने सीड्स इसमें स्प्रिंकल कर दिए हैं। तो इस जो हमने मेथड यूज़ किया है सीड लगाने के लिए, इसको बोला जाता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, यानी कि हाथ से ही सीडों को बिखेर दिया जाता है, यानी बीज बिखेर दिए जाते हैं मिट्टी के ऊपर, इसको बोला जाता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो काफ़ी सारे मेथड होते हैं बीज लगाने के, और ब्रॉडकास्टिंग मेथड भी काफ़ी अच्छा होता है जब हम नर्सरी प्रिपेयर कर रहे होते हैं किसी भी सब्जी की। तो यहाँ पे हम आज इस वीडियो में बैंगन की नर्सरी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ब्रॉडकास्टिंग मेथड यूज़ किया है। तो जब आप बीज लगा दो तो उसके बाद आपको हल्के हाथों से बीजों को प्रेस कर देना है मिट्टी के अंदर। और बीज को हल्के हाथों से प्रेस करने के बाद आपको वही सेम मीडिया, यानी कि जो मिट्टी हमने पहले प्रिपेयर करी थी उसका एक पतली सी लेयर आपको इसके ऊपर डाल देनी है, ताकि हमारे बीज मिट्टी से बाहर ना आए जब हम इसमें वाटरिंग करें। बीज को मिट्टी में लगाने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वाटरिंग करना। तो वाटरिंग आपको एक ठीक मेथड से करनी होती है। डायरेक्ट आप किसी पाइप से या फिर किसी मग से अगर मिट्टी के ऊपर पानी डालोगे तो बीज जो हैं वो मिट्टी से बाहर आ जाएंगे और जर्मिनेट नहीं होंगे, बहुत कम बीज आपके जर्मिनेट हो पाएंगे। तो पानी देने का सही तरीका है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी दें। आप किसी स्प्रिंकल की हेल्प से पानी दे सकते हैं, अगर आपके पास स्प्रिंकलर नहीं है तो आप ऐसे बॉटल में होल्स करके भी पानी दे सकते हैं। अब बारी आती है इन बीजों को एक ऐसी जगह रखने की जहाँ पे ये बीज काफ़ी तेज़ी से ग्रो हों। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बीज लगाने के बाद उनको छांव में रख देते हैं, यानी कि अंधेरे में रख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जबकि जो हमारे फार्मर्स यूज़ करते हैं मेथड, वो ये है कि बीज लगाने के बाद बीजों को डायरेक्ट सनलाइट में रखा जाता है और उनको 1 से 2 दिनों के लिए या फिर 2 से 3 दिनों के लिए ढक के रखा जाता है, या तो ग्रीन नेट से या फिर किसी और चीज़ से। उसके बाद जब उसमें थोड़ी थोड़ी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है तो ग्रीन नेट या फिर जो भी आप जिस भी चीज़ से कवर कर रहे हैं उसको हटा दिया जाता है। गाइज आफ्टर 7 डेज आप देख सकते हो ये रिज़ल्ट, हमारे लगभग सारे सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं। 80 से 90% का हमें जर्मिनेशन रेट मिल चुका है और अब बिल्कुल ये पौधे तैयार हैं इनको ट्रांसप्लांट करने के लिए। अभी ये पौधे ट्रांसप्लांट आप डायरेक्ट गमले में या फिर ज़मीन में नहीं कर सकते, अभी आपको इनको किसी छोटे पॉट में ट्रांसफ़र करना होगा ताकि ये अपनी जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से बढ़ा सकें। तो अब आप इस वीडियो में आगे देखेंगे कि किस तरीके से इन पौधों को छोटे नेट पॉट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। सो गाइज नाउ यू कैन सी, मैंने अभी थोड़े से पौधे अपने इन नेट पॉट में ट्रांसफ़र किए हैं। अब 1 हफ्ते के अंदर इनमें 3 से 4 पत्तियां और आ जाएंगी, तो ये पौधे हमारे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे किसी बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर डायरेक्ट ज़मीन में लगाने के लिए। अगर हम इस स्टेज पे इन्हें लगा देते हैं तो ये पौधे मर जाएंगे।
और जैसे आप ये देख सकते हो, ये पौधे नेट पॉट में करीबन एक हफ्ते पहले मैंने लगाए थे, तो इनमें आप देख सकते हो 3 से 4 पत्ती निकल चुकी हैं और अब ये पौधे बिल्कुल रेडी हैं किसी बड़े गमले में शिफ्ट करने के लिए या फिर डायरेक्ट ज़मीन में शिफ्ट करने के लिए। तो ऐसे पौधे जब आप ज़मीन में लगाते हो तो ये नहीं मरते, अगर आप छोटे पौधे ज़मीन में लगा दोगे तो वो हो सकता है मर जाएं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नेट पॉट्स के अंदर कितनी रूट्स इनकी निकल चुकी हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने नेट पॉट में एक हफ्ते पहले पौधा लगाया था और आप अब इसकी जो रूट स्ट्रक्चर है वो देख सकते हो, कितना अच्छा इसका रूट स्ट्रक्चर बन चुका है। तो इस तरह के पौधे जब आप ज़मीन में गमले में लगाओगे तो वो आपके डैमेज नहीं होंगे। तो ये देखिए, वो पौधे जिनमें अभी 3 से 4 पत्ती निकल चुकी थी, इनको मैंने अभी एक गमले में शिफ्ट कर दिया है। तो एक गमले में अभी मैंने इनको इसलिए शिफ्ट किया है, जब ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको एक एक पौधा बड़े गमले में लगा दूंगा। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी बैंगन को बीज से किस तरीके से उगाना है, उसको कहाँ पर रखना है और किस तरीके की मिट्टी में उसको लगाना है और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।